मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते जहां भाजपा ने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी सूची जारी होने से पहले कई विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय नेताओं को टिकट देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। वहीं काला पीपल विधानसभा से क्षेत्रीय नेताओं को टिकट देने की मांग को लेकर पूर्व विधायकों सहित वरिष्ठ पदाधिकारी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी को 25 क्षेत्रीय नेताओं के नाम दिए गए हैं और यह आग्रह किया गया है कि जो क्षेत्र में विगत कई वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं उन्हें ही पार्टी में टिकट दे। उन्होंने कहा कि कई बाहरी नेता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गुमराह का टिकट मांग रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय नेताओं में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता बाहरी प्रत्याशी को बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया है कि काला पीपल विधानसभा से किसी भारी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। नाम बताइए। डॉक्टर बाबूलाल वर्मा, पूर्व विधायक काला पीपल। आप माननीय विधायक जी के समर्थन में हैं? साथ में ही हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं बाहरी व्यक्ति को यहाँ से टिकट नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर पैतृक कार्यकर्ता है लोग। आपको कैसे मालूम कि भारी व्यक्ति को टिकट मिल रहा है? ऐसा मालूम पड़ा है। उस व्यक्ति ने वहाँ पर ऐसे प्रदर्शन किए है और हमने जब ऊपर कोई बातचीत की तो उनका थोड़ा रुख ऐसा दिखा कि पार्टी के टिकट किसी को भी दे सकती है। तो स्थानीय लोग जो मेहनत करते हैं, 12 महीने की मीटिंग अटेंड करते हैं, 12 महीने टाइम बे टाइम सभी मौसमों में, सर्दी गर्मी बरसात, और उसमें पूरा कार्यकर्ता मन से लगा रहता है, उस कार्यकर्ता की अवहेलना करते हुए और ऐसे बाहरी व्यक्तियों को वहाँ पर जो टिकट देने का प्लान पार्टी ने किया होगा शायद, तो उसके लिए हम सब मिलकर के 25 लोग, जिस पर टिकट मांगने वाले भी साथ में हैं और पदाधिकारी है, 4 हमारे जिला सदस्य हैं और हम 3 पूर्व विधायक हैं और बाकी और भी अन्य अन्य पदों पर विराजित है। ऐसे लोगों ने आकर के कहा कि हमारा जीवन इसमें खप गया और कोई व्यक्ति बाहर गुलछर्रे उड़ाए या कुछ भी ऐसा करके यहाँ आके किसी एक व्यक्ति का प्रिय होकर के और वो टिकट मांगने लग जाए और उसको टिकट मिल जाए तो हम सब कार्यकर्ता को मानना है कि हम क्या जीवन भर ऐसा ही करते रहेंगे। धन्यवाद। आप नाम बताइए। मेरा नाम फूल सिंह मेवाड़ा, पूर्व विधायक, जब सुजालपुर कालापल एक ही विधानसभा में थी, जो काला पीपल मेरा निवास है और गांव का रहने वाला हूं। किस चीज का विरोध प्रदर्शन करने आए? हम कोई सा प्रदर्शन करने नहीं आए, हम तो केवल ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी जो काला पीपल विधानसभा, ये जनसंघ जिसके गढ़ से रहा है ये पूरी, और हमारा जो साल डेढ़ साल से जो हमारा संगठन का काम चल रहा है, सभी हम कार्यकर्ता जो लोग आपके सामने खड़े हैं, हमने पूरी ईमानदारी से, पूरी तन मन धन से जो है बूथ स्तर तक हमने पूरा पार्टी का काम किया है और पूरी तैयारी हो गई है। चाहे कल अगर मतदान हो जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी, हमारा कमल का फूल वहां खिलेगा और प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे, ऐसी हमारी तैयारी है। परंतु हमारे जो काला पीपल विधानसभा में हमको अभी 15 दिन से ये ज्ञात हुआ है और वो उनके रंग ढंग भी देख रहे हैं कि देवास से 2 लोग और एक सीहोर से बाहर से आकर के यहाँ पर, वहां पर मूल निवास बता रहे हैं कि हम यहीं के रहने वाले हैं और इस प्रकार से संगठन को गुमराह करके और वहां से काला पीपल विधानसभा से विधायक का टिकट मांग रहे हैं और उसी बात को लेकर के हमने यहाँ आज भोपाल आकर के प्रदेश कार्यालय में हमारे संगठन के, हमारे जो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी है माननीय भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब, भाई वीडी शर्मा जी माननीय जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और हमारे जो हितेंद्र शर्मा जी संगठन महामंत्री, हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश के जो चुनाव के संयोजक हैं, और कैलाश विजयवर्गीय, इनको हमने सबने मिलकर के हमारा जो है, हमने निवेदन करके ये हमारा जो ज्ञापन उनको सौंपा है कि साहब बाहर का आदमी नहीं चलेगा और स्थानीय किसी भी, हम जो 25 लोगों ने हमने ये आवेदन जो आपको हम दे रहे हैं, इसमें हमारे जो उम्मीद जो विधानसभा के विधायक के चुनाव लड़ने के लिए योग्य जो 25 लोग हैं इसमें हमारे हस्ताक्षर हैं, इन 25 में से किसी भी एक व्यक्ति को आप टिकट दे दो, हम प्रचंड बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी को काला पीपल विधानसभा की सीट दिलवाएंगे और ये हमने जो पूरा संकल्प लिया इस बात के लिए। आपको क्या आश्वासन? हमको आश्वासन मिला है कि जो भी संगठन निर्णय लेगा आपकी मांग को जो है वो बिल्कुल विशेष तौर पर आप गंभीरता से विचार करके और सही निर्णय होगा, आप चिंता नहीं करिए। अगर आपके 25 लोगों को टिकट नहीं मिला तो आगे क्या भूमिका रहेगी? उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है ना किसी हालत में भी। अगर बाई चांस हो गए तो क्या नहीं, पार्टी चेंज में नहीं करेंगे, पार्टी नहीं संगठन, हम सर्वोपरि है, हम तो 44 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं। जिसको भी टिकट मिलेगा, मान लो उसके ऊपर पर बाकी हमको आश्वासन दिया है, वो बाहरी नहीं होना, बिल्कुल बाहर उनको नहीं होना, क्योंकि कोई भी घटना घट सकती है, अगर बाहर होगा तो
क्षेत्र के लोग, हम 25 लोग नाराज नहीं, पूरी विधानसभा के 200 गांव के लोग नाराज है इस बात को लेकर के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।